था योगेश तिवारी को। हल चलाता किसान छाप में बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाना है आपका अपना निशान हल चलाता हुआ किसान। योगेश भैया खरे हावे धूरी में जीता होगा, योगेश भैया खरे हावे धूरी में जीता होगा। मेरे तरह नगर में विधानसभा क्षेत्र में जनता कांग्रेस पार्टी लेगा विधायक के बनाए देना, जनता कांग्रेस पार्टी बदलना चाहिए। हमारे योगेश जी आना चाहिए। गांव में पूरा बच्चे बुजुर्ग सियान सभी शराब पी पी कर बहुत तंग करते थे, इसी कारण सभी महिला पूरा हमारे योगेश भैया को चाहते हैं, योगेश जी भैया जीतना चाहिए। योगेश तिवारी का वादा पक्का इरादा, बेरोजगार वो देंगे रोजगार, हम देंगे छत्तीसगढ़ में सच्ची सरकार। एक तरफ छल है, एक तरफ बल है और एक तरफ अजीत जोगी जी का किसान का हल है। फैसला आपको करना है, चिंतन आपको करना है। अब की बार जोगी सरकार नया ये होना चाहिए कि सरकार बदलना चाहिए, हमारे योगेश भैया को लाना चाहिए छत्तीसगढ़ में, हमारे समाज के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आजकल बहुत पाबंदी है, दारूबंदी करने के लिए महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं भैया। आजकल गांव-गांव जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। गांव-गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। हमारी लड़ाई है कि इस गांव में इस गांव को सुधारना है। हमारी लड़ाई है किसानों के खेत में पानी लाना है। आज दो दो नदियां हैं, खारू नदी मात है, इसके बावजूद किसान के खेत सूखे हुए हैं, किसान के खेत में पानी नहीं है। हमारे जो युवा नौजवान बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं लड़ रहा हूँ, पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, ये मेरी ताकत है। अकेले योगेश तिवारी कोई दखत नहीं है, ये मेरी शक्ति है। जितनी मेरी बहनें हैं, मेरे युवा नौजवान हैं, जो बिल्कुल जोश के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मुझे विश्वास है इनके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतूंगा और इस क्षेत्र में। आगे आगे पारी का जो भी पर ही भारी का।